खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। दलहन फसलों की आपूर्ति पर क्यों पड़ सकता है असर? आरबीआई कैसे देने वाला है फिनटेक कंपनियों को टक्कर? और कितना बढ़ गया एसआईपी से होने वाला निवेश, बताएंगे आपको। और इनके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। खरीफ सीजन की बुआई पर पड़ेगा मानसून की अटपटी चाल का असर। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में सबसे कम दिखा दलहन फसलों का रकबा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल बुआई के जारी आंकड़ों के अनुसार 4 अगस्त तक राज्य में 14.971 लाख हेक्टेयर में हुई दलहन फसलों की बुआई। अमूमन महाराष्ट्र में खरीफ सीजन में दलहन फसलों का सामान्य रकबा है 21.389 लाख हेक्टेयर। देश में प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में से एक है महाराष्ट्र। ऐसे में दलहन फसलों के बुरी तरह प्रभावित होने की कही जा रही है बात। इस बार मानसून में देरी की वजह से देर से शुरू हुई फसल बुआई और मानसून सक्रिय होने के बाद कई इलाकों में बारिश और बाढ़ ने पहुंचाया है फसल को नुकसान। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ा दी लोन की ईएमआई। बैंक की ओर से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर में की गई है 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। अब एक साल का एमसीएलआर 8.65% से बढ़कर हो गया है 8.70%। 12 अगस्त से लागू हो चुकी हैं नई दरें। आरबीआई के रेपो रेट में कोई बदलाव न करने की घोषणा के एक ही दिन बाद दिया है बैंक ने ग्राहकों को ये झटका। अब आपको घर बैठे बैठे बैंकों से मिलेगा डिजिटल लोन। फिनटेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए खुद अपना डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आसान कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कर रहा है तैयार। इसके लिए बैंकों और ग्राहकों के बीच सितंबर 2022 से चल रहा है एक पायलट प्रोजेक्ट। इसके नतीजों के आधार पर अब इसका विस्तार करने की जा रही है तैयारी। यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। आरबीआई ने यूपीआई लाइट पर एक बार में भुगतान की सीमा बढ़ाने का किया प्रस्ताव। यूपीआई लाइट पर ऑफलाइन माध्यम से एक बार में भुगतान की सीमा को 200 रुपये से बढ़ाकर किया जाएगा 500 रुपये। इससे देश में डिजिटल भुगतान की पहुंच और इसके इस्तेमाल को मिलेगा बढ़ावा। यूपीआई पर छोटे मूल्य के लेन देन की गति बढ़ाने के लिए सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था यूपीआई लाइट। जल्द ही आपको भुगतान करने का मिलने जा रहा है एक नया तरीका। यूपीआई यूजर्स जल्द ही बोलकर या सिर्फ फोन टैप करके कर पाएंगे आसानी से भुगतान। आरबीआई ने यूपीआई भुगतान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का किया है प्रस्ताव। एआई के जरिए आप बोलकर यूपीआई के जरिए कर पाएंगे भुगतान। यूपीआई पर बोलने पर आधारित भुगतान यूजर्स को भुगतान करने के लिए एआई सिस्टम के साथ बातचीत करने में बनाएगा सक्षम। संवादात्मक पेमेंट की ये सुविधा स्मार्टफोन और फीचर दोनों में होगी उपलब्ध। एनपीसीआई को जल्द ही इस बारे में जारी किए जाएंगे निर्देश। टमाटर की महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने उठाया एक और बड़ा कदम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने नेपाल से टमाटर आयात करने को दी है मंजूरी। इसके लिए निर्यात प्रतिबंध को किया गया है खत्म। शुक्रवार तक वाराणसी, लखनऊ और कानपुर पहुंच जाएगी नेपाल से टमाटर की पहली खेप। इसके अलावा एनसीसीएफ और नाफेड 70 रुपये प्रति किलो की दर से दिल्ली एनसीआर में बेच रहे हैं टमाटर। जल्द ही बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी उपलब्ध कराया जाएगा सस्ता टमाटर। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए लगातार बढ़ रहा है निवेश। जुलाई में एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा निवेश। इस महीने एसआईपी से हुआ 15,245 करोड़ रुपये का निवेश और 33 लाख से ज्यादा एसआईपी हुई रजिस्टर। म्यूचुअल फंड की विभिन्न योजनाओं में खुदरा निवेशकों की रुचि बढ़ने से बढ़ा है ये निवेश। जुलाई महीने में एसआईपी का रहा सबसे बेहतर प्रदर्शन। म्यूचुअल फंड उद्योग में मुख्य रूप से एसआईपी के जरिए ही होता है निवेश। राजस्थान में रहने वालों के लिए खुशखबरी, अब बिजली उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा फ्यूल सरचार्ज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की राज्य के सभी उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल सरचार्ज खत्म करने की घोषणा। कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली बिल पर नहीं देना होगा कोई अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज। इसी के साथ खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। मैं हूं अमन गुप्ता। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।